दोस्तों मेरे पास रियलमी का फ़ोन है, इसमें FRP बाईपास करना है। इसमें FRP लॉक लगा हुआ है जिसका मॉडल नंबर है रियलमी RMX 1941। तो इसका FRP बाईपास हमें कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसको आगे बढ़ाना है दोस्तों, सिंपली पहले आपको यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करना है। वो आपको बैक करना है, यहाँ से आपको लैंग्वेज चेंज कर लेनी है। यहाँ से आपको हिंदी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो फिर आगे का प्रोसेस समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो फिर आप कमेंट करेंगे कि वीडियो फेंक है, ये है वो है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आसान है FRP बाईपास करना। ये आगे बढ़ाने पे जो है ये मांग रहा है, तो हमें ये तो पता ही नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग पे जाएंगे। लैंग्वेज सेटिंग पे लैंग्वेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, कीबोर्ड जोड़े, कीबोर्ड जोड़ने पे जाना है, ये वाले पे कीबोर्ड जोड़े और इंग्लिश भारत बैक करना है। यहाँ से आपको जो 3 डॉट दिख रहे हैं 3 डॉट पे क्लिक करना है, सहायक और फीडबैक पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है, आपको यूज मोर्स कोड पे सर्च करना है। तो ये जो है यू आप दबाएंगे तो पहले ही नंबर पे आ जाएगा। तो इस पे आपको क्लिक करके सिंपली इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। आपको इस पे डबल ट्रिक मारना है और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधा ये यूट्यूब पे आपको ले जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको इसको यहाँ से काट देना है, ये वाला बटन दबाना है। अभी लिखा है शर्तें और निजता नीति, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्राउज़र जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ब्राउज़र ओपन हो गया तो आपको यहाँ पे आपको गूगल ओपन करना है, www.google.com। गूगल पे आपको सर्च करना है CK मोबाइल, CK मोबाइल केयर ब्लॉग स्पॉट, ये सर्च कर देना, ठीक है दोस्तों। ये आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा, CK मोबाइल केयर FRP बाईपास वाला 2020 जो लिखा है। तो इस पर क्लिक करते ही आपको मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली जो है कहीं नहीं जाना है, आपको मेरी वेबसाइट ओपन करके यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे आपको जूम कर लेना है, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये FRP AP 2020 लिखा है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है ये आपको डाउनलोड करना है एंड्रॉयड 9, 8 और 9। बैक करना है, बैक करने के बाद आपको फिर FRP AP के डाउनलोड करना है।
आपको इंस्टॉल करना है, ये परमिशन मांग रहा है ब्राउज़र, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। और ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है, और आपको सिंपली जो है FRP APK को इंस्टॉल करना है दोस्तों। FRP बाईपास करना बहुत ही आसान है, अगर आप वीडियो को मेरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो। इसको खोलना है, अब आपको ये 3 डॉट दिख रहे हैं दोस्तों, 3 डॉट दिख रहे हैं जो है। थ्री डॉट पर क्लिक करना है आपको, और आपको सिंपली जो है यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के साइन इन कर देना है। ये लीजिए दोस्तों, ये साइन इन हो चुका है। अब आपको सिंपली जो है इसको रिबूट कर देना है फ़ोन को। ओके, अभी ये ऑन होगा। दोस्तों मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ और रियल वीडियो बनाता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ ज़्यादा, और मेरी जो है मैं जो है सही जानकारी देने की हमेशा से जो है चेष्टा करता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लेनी है दोस्तों, इंग्लिश कर देना है, नेक्स्ट करना है, कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, कंटिन्यू कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब ये अकाउंट ऐड हो चुका है मेरा, जो मैंने ऐड किया है। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाना है आप लोगों को। दोस्तों अगर आपको एक बात और बोलूँगा कि अगर आपको लॉक अनलॉक कराना है, FRP बाईपास कराना है, तो आप जो है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा। ऑनलाइन लॉक जो तोड़े जाते हैं वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, तो आप फॉलो करिए, किसी भी फ़ोन का लॉक अनलॉक करा सकते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये जो है FRP अनलॉक हो चुका है। अब आपको सिंपली जो है अपना अकाउंट रिमूव कर देना है, प्लस FRP APK जो है आपको अनइंस्टॉल मार देना है, ताकि कस्टमर को पता ना चले कि हम लोगों ने कैसे किया है FRP बाईपास। और अपना मेल जो है हमेशा से रिमूव कर देना है, ताकि वो जो है हमारी मेल का जो है गलत उपयोग ना कर सके, ठीक है दोस्तों। ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, तो आपको चैनल
अगर अच्छा लगे जो है मेरा वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।